इंडोनेशिया दौरे के दौरान पीएम मोदी ने ऐतिहासिक इस्तिकलाल मस्जिद में भी कुछ वक्त गुजारा। रमजान के पाक महीने में पीएम मोदी ने मस्जिद का दौरा किया। वैसे पीएम मोदी ने किसी मस्जिद का दौरा पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी पीएम मोदी कई मस्जिदों में जा चुके हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक मस्जिद के बारे में जिनका पीएम मोदी दीदार कर चुके हैं। इस्तिकलाल मस्जिद। 30 मई को पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ इस ऐतिहासिक मस्जिद का दीदार किया। इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वालों की याद में इस मस्जिद का नाम इस्तिकलाल रखा गया, जिसका मतलब होता है आज़ादी। शेख जायद मस्जिद। 2015 में अबू धाबी गए पीएम मोदी ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद शेख जायद मस्जिद का भी दौरा किया। मक्का और मदीना के बाद यह तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका नाम यूए के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति जायद बिल सुल्तान अल नहायान के नाम पर रखा गया। इस मस्जिद में एक साथ 40,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। सुल्तान कबूस मस्जिद। 2018 में फरवरी महीने में पीएम मोदी ओमान के दौरे पर थे। यहां उन्होंने मस्कट में स्थित ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान कबूस का दीदार किया। यह मस्जिद 3,00,000 भारतीय बलुआ पत्थरों से बनाई गई है। मस्जिद में एक साथ 20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस नई मस्जिद का निर्माण साल 2001 में पूरा हुआ था, जिसे सुल्तान के ओमान ने किया था। सिदी सैयद की जाली मस्जिद। जापान के पीएम शिंजो आबे अपनी पत्नी के साथ साल 2017 में भारत के दौरे पर थे। इस दौरान शिंजो आबे को पीएम मोदी गुजरात की सिदी सैयद की जाली मस्जिद भी ले गए। यह मस्जिद जाली खिड़कियों के लिए मशहूर है। इस मस्जिद का निर्माण गुजरात सल्तनत के अंतिम सुल्तान शम्स उद्दीन मुजफ्फर शाह तृतीय की सेना के जनरल अहमद शाह बिलाल इजर के अनुयायियों ने 1533 में कराया था। कहा जाता है कि देश की यह पहली मस्जिद है जिसका पीएम मोदी ने दौरा किया था।